Hello everyone, myself Dr. Monica Maheshwari, consultant gynecologist and obstetrician at Amandi Pediatric Hospital, Amritsar. Today we'll talk about multiple pregnancy. Multiple pregnancy मतलब कि एक ही pregnancy में दो या उससे ज़्यादा बच्चे हैं. इस incidence is 1 in 250 pregnancy. मतलब 250 में से देखा गया है कि एक pregnancy twins या triplets या quadruplets हो सकती है. And most common is a twin pregnancy. अगर हम ट्विन प्रेगनेंसी देखें तो उसमें दो तरह की होती है, डाइजाइगोटिक या मोनोजाइगोटिक, डिपेंडिंग कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन हो रहा है. एक्चुअली फीमेल में से एग एंड मेल्स के स्पर्म फर्टिलाइज करके दे प्रोड्यूस अ एम्ब्रियो एंड देन द फीटस बेबी बनता है. अगर दो एग होते हैं फीमेल के एंड दो स्पर्म्स अगर फर्टिलाइज करते हैं तो उससे दो बेबीज बनते हैं जिनको हम बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विन्स. अगर एक ही एग्स के साथ एक स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो रहा है बट उसमें फिर डिवीजन होकर ट्विन्स बन रहे हैं तो उन्हें कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन्स. बट इसमें भी डिपेंड करता है कि डिवीजन किस लेवल पे हो रहा है. अगर लेट डिवीजन होती है तो उसमें एक कंडीशन होती है मोनोकोरियोनिक मोनोएम्नियोटिक ट्विन्स, यानी कि दो बच्चे हैं लेकिन वो एक ही सैक एक ही कैविटी को शेयर करते हैं. और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी इस प्रेगनेंसी में होती है. मोस्ट कॉमन इज अ डाइजाइगोटिक ट्विन्स जिसमें दो एग और दो स्पर्म्स होते हैं एंड इट इज़ द मोस्ट सेफ ट्विन प्रेगनेंसी. इसमें कॉम्प्लिकेशन सबसे कम होती हैं बच्चे को एंड इसके अंदर दो डिफरेंट सैक दो डिफरेंट कैविटीज में दो बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं. अब नाउ डेज दिस इंसिडेंस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी हैज इंक्रीज्ड एंड इट इंक्रीज मोर बिकॉज ऑफ द मोर यूज ऑफ ART दैट इज द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि मोर ऑफ IVF बिकॉज ऑफ द लेट एज मैरिजेज एंड प्रेगनेंसी लेट प्लान करते हैं कपल्स. तो उस केसेस में प्रेगनेंसी नहीं होती है देन दे आर गोइंग टुवर्ड्स द IVF एंड IVF के अंदर चांसेस ऑफ द मल्टीपल प्रेगनेंसी इंक्रीजेस. देन देर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी इन द लेट एज ऑफ प्रेगनेंसी. अगर फीमेल्स की एज मोर देन 35 ईयर्स है तो उसमें ट्विन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं. देन इफ देर इज हाई पैरिटी मतलब कि लाइक फिफ्थ प्रेगनेंसी है सिक्स प्रेगनेंसी है उसमें भी चांसेस ज़्यादा होते हैं. देन इट इज़ बीन सीन दैट इट इज़ ऑल्सो हेरिडिटरी, फैमिली में देखा गया है कि ये चीज रन करती है. व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी? मदर के अंदर इट कैन कॉज PIH, प्री एंक्लेम्सिया, हाई BP, डायबिटीज, देन इट कैन ऑल्सो कॉज एनीमिया, PPH दैट इज पोस्टपार्टम हेमरेज, डिलीवरी के बाद ज़्यादा ब्लीडिंग होने का रिस्क हो जाता है. देन प्रीटर्म लेबर पेन्स, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स. फीटसेस के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है बेबी के अंदर? एक होती है वैनिशिंग ट्विन, मतलब कि देखा होगा आपने कई बार कि फर्स्ट स्कैन कराया 6 वीक्स पे तो उसमें ट्विन्स शो कर रहे हैं बट नेक्स्ट स्कैन आफ्टर 1 मंथ कराते हैं तो उसमें सिंगल प्रेगनेंसी एक बेबी है वो शो होता है. तो इसको बोलते हैं वैनिशिंग ट्विन, यानी कि विद टाइम एक ट्विन एक बेबी की एक तरह से एबॉर्शन हो गया है. देन देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ प्री मैच्योरिटी, क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसी में दो बच्चों की ग्रोथ की वजह से चांसेस होते हैं कि टाइम से पहले दर्द शुरू हो जाए, टाइम से पहले डिलीवरी होने का रिस्क होता है. तो ऐसे में बच्चे भी प्री मैच्योर होते हैं. देन देयर इज डिसकॉर्डेंट ग्रोथ और ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस. जब एक ही यूट्रस के अंदर दो बच्चे ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली ग्रोथ उनकी उतनी प्रॉपर नहीं होती है, दे ऑलवेज लैग बिहाइंड देन देयर नॉर्मल जेस्टेशन. देन देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ ट्विन टू ट्विन ट्रांसमिशन सिंड्रोम. ये क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि जब दो ट्विन्स हैं जब वो एक कैविटी शेयर करते हैं तो ऐसे में चांसेस होते हैं कि उनकी ब्लड वेसल्स में भी कुछ कनेक्शन हो. तो ऐसे में कई बार होता है कि एक बेबी से ब्लड दूसरे बच्चे में चला जाता है जिससे कि एक बेबी की इसको बोलते हैं हम ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम. और इसमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि एक बेबी की डेथ हो जाए और एक के बाद दूसरे हेल्दी बेबी के भी लाइफ को रिस्क रहता है. देन देर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ माल प्रेजेंटेशन, कि एक बच्चा सीधा है तो दूसरा आड़ा है. तो ऐसे केसेज में सीजीरियन का भी रिस्क बढ़ जाता है. तो इसमें ज़रूरी होता है एक तो अल्ट्रासाउंड कराना एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द फर्स्ट अल्ट्रासाउंड एट द 6 to 8 weeks, क्योंकि हमें ये पता करना होता है कि किस तरह की ट्विन प्रेगनेंसी है, डाइजाइगोटिक है मोनोजाइगोटिक है, कहीं वो एक कैविटी शेयर तो नहीं कर रहे हैं. तो ये क्लियर फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड से होती है. देन वी हैव टू गेट सम अल्ट्रासाउंड रिपीटेड आफ्टर 28 वीक्स मोर फ्रीक्वेंट बिकॉज वी हैव टू कीप अ चेक ऑन द बेबी ग्रोथ, कि बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है एंड उनकी ब्लड सप्लाई प्रॉपर है या नहीं है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट योर रेगुलर एंटीटल चेकअप फ्रॉम योर ऑब्स्टेट्रिशियन बिकॉज वी हैव टू कीप अ चेक ऑन योर वेट ब्लड प्रेशर टू सी दैट यू द प्रेगनेंसी हाउ द प्रेगनेंसी इज गोइंग ऑन. एंड
क्योंकि ऐसी प्रेगनेंसी में रिस्क होता है प्रीटर्म डिलीवरी का, प्रीमैच्योर बेबीज का, जो बच्चे टाइम से पहले डिलीवर कर जाते हैं उनका वेट भी कम होता है, देन देर इज़ अ नीड ऑफ निकोटीन। सो इसलिए ऐसी प्रेगनेंसीज में ज़रूरी है कि डिलीवरी वहाँ कराई जाए जहाँ पे निको फैसिलिटी अवेलेबल हो एंड पूरा फुल सेटअप हो। थैंक यू।